नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं बानसूर शहर, जहां हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र में वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। आज हम बानसूर विधानसभा क्षेत्र से लोगों की जो मन की बात है विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करते हैं। आज हमारे साथ यहां बानसूर के प्रबुद्ध जन नागरिक मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। आज हम इस चीज को लेकर बात करते हैं, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या खास रहेगा, किसका इस जो फिलहाल 5 सालों में विधायक शकुंतला राउत रही और मंत्री भी बनी, क्या यहाँ मूलभूत सुविधाओं को क्या कितना पूरा कर सकी है और कितना अधूरा रह चुका है अब तक, बताइए। आप ये मानिए, माननीय श्रीमती शकुंतला राउत ने 100 में से 100% काम करवाए बानसूर विधानसभा क्षेत्र में। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुए वो हुए, जो रोड आज़ादी से पहले बाद नहीं बने वो अब बने। तो इस बार जनता विकास के साथ है और माननीय श्रीमती शकुंतला राउत के साथ। बिल्कुल, अभी इन्होंने बताया कि विधायक शकुंतला राउत ने 70 सालों में जो काम नहीं करवाए वो करवाए हैं। और हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा यहाँ क्या ऐसा मुद्दा रहा है बानसूर में पिछले 5 साल में, क्या लोग इस बार लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर वोट करेंगे? सर, लोग देखो 5 साल में एक दफ़े समय मिलता है जनता को। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता वोट देगी, अगर गलत काम किया है तो जनता वोट नहीं देगी। मेरा मानना है कि एक मंत्री होने के नाते उन्होंने बानसूर में एक कैबिनेट मंत्री थी और आज एक हमारे किले के लिए उन्होंने कहा कि जब उनके देव विभाग उनके पास था, जो किले का जीर्ण उद्धार नहीं कर पाए, उन्होंने हमको वादा किया था। बालिका विद्यालय के लिए मैंने काफ़ी उनसे निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कॉलेज या बानसूर की बजाय नारायणपुर में खुलाया। एक बानसूर की जनता यहाँ आबादी के हिसाब से ज़्यादा है, यहाँ कॉलेज होना चाहिए था। बाकी विकास उन्होंने कराया, अस्पताल भी खुलवाया है और भी काम कराए विकास के। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने विकास नहीं करवाया है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। जनता के हाथ में वोट, हमारे पास वोट नहीं है, जनता वोट देगी। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता निश्चित वोट देगी और अच्छा काम नहीं किया है तो जनता नकार देगी। तो मेरा ये कहना है, अगर जो कुछ उन्होंने काम किया है बानसूर को एक तरफ रखते हुए नारायणपुर में ज़्यादा काम किया है बानसूर की बदौलत, जबकि विधानसभा क्षेत्र बानसूर हेडक्वार्टर है और यहाँ के बड़े बड़े ऑफिस नारायणपुर में खोले गए हैं, जबकि बानसूर जनता इस योग्य नहीं थी क्या, जो यहाँ पर एक्सएम ऑफिस, यहाँ पर कॉलेज महिला, यहाँ की बच्चियाँ आज इधर उधर बोलती हैं कि भाई कॉलेज नहीं है महिला कॉलेज, जो अत्यंत आवश्यक था। तो मेरा ये निवेदन है, आप जनता के हाथ में वोट है, मेरे हाथ में थोड़ी वोट तो आम आदमी देगा। आम आदमी, कोई आदमी कहता है अगर मेरे पास वोटों की वोट है, गलत है। आज आम नागरिक अधिकार है उसको वोट देने का, वो सुरक्षित रूप से अपना वोट उसी को देगा जो यहाँ विकास किया होगा। बिल्कुल, अभी इन्होंने बताया कि उद्योग मंत्री, देवस्थान मंत्री भी थी, लेकिन यहाँ जो किले का जीर्णोद्धार की घोषणा की थी वो भी नहीं बन पाया है। और लोगों की ये भी मांग थी कि महिला कॉलेज भी हो, कॉलेज भी नहीं खुल पाई। लोगों पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी नाराज़ किया, क्योंकि बानसूर विधानसभा क्षेत्र का नारायणपुर भी पड़ता है, नारायणपुर में इस तरह की जो कॉलेज है खोली गई है, यहाँ के लोगों में जरूर इसको लेकर विरोध है। जी, मैं और पूछता हूँ बानसूर में किस चीज़ को लेकर आप अब आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हैं और किस चीज़ को लेकर आप मत कर पाएंगे? हाँ जी, देखो कि ये फिलहाल कांग्रेस सरकार की हम बात करें तो इन्होंने मतलब काम धंधे तो हर सरकार में आते हैं, जाते हैं, होते हैं, चलते हैं, मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में हमको देखने को मिला। तो 10 साल हो गए लगातार यहाँ कांग्रेस ने, ऐसे कहते हैं कि बोल 5 साल में विकास नहीं होता है, पूरे 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, तो 10 ईयर का समय देने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई हमारी नज़र के हिसाब से। बाकी अब की बार हम वोट वहाँ करेंगे, उसको करेंगे जो बानसूर का विकास करेगा। हम कोई पार्टी के ऊपर नहीं है, कोई पार्टी के साथ नहीं है, हम वो आदमी चुनेंगे जो हमारी सुरक्षा करे, कस्बे की सुरक्षा करे, क्योंकि कस्बा क्षेत्र शिक्षा हर चीज़ से पीड़ित है, हर समस्या से, रोड मटर होते हैं, मतलब रोडों का विकास नहीं है, पानी की भी समस्या है, हर तरीके की समस्या है। तो उस आदमी को चुनेंगे जो अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, लोगों से प्रेम होगा, और चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, हम पार्टी को मायने नहीं देते, हम आदमी को मायना दे। बिल्कुल, अभी इन्होंने अपनी अपनी राय दानी और हमारे साथ इसी कड़ी में और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। क्या इस बार विधानसभा के चुनाव को लेकर किस चीज़ को लेकर मतदान करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि 25 तारीख को जो वोटिंग है उसमें भाईचारा कायम करके आप सभी लोग अपना मतदान करें। दूसरी बात है कि अब की बार जो कांग्रेस सरकार ने जितना काम किया है, शायद मुझे लगता है कि ये 75 साल का एक रिकॉर्ड है। और अशोक गहलोत जी बार बार एक ही बात कहते हैं, काम किया है दिल से, कांग्रेस आएगी फिर से। और जितना काम हमारे बानसूर तहसील में कैबिनेट मंत्री शकुंतला राउत जी ने किया है,
वो तो चलो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन विकास की हम बात करें तो बानसूर में ACM पोर्ट हो, ACGM पोर्ट हो, या जिला अस्पताल हो, जिला भवन हो, कॉलेज हो। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बानसूर में कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज जरूरी है और बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। बाकी विकास से एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, अगर विकास एक साथ ही पूरा कंप्लीट हो जाए तो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ोगे? अभी तो पूरी ज़िंदगी आपको चुनाव लड़ना है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक चुनाव लड़ना है। तो विकास होते रहते हैं धीरे 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 धीरे, हम उस राह पे चल रहे हैं। रोड भी बने, काफ़ी बड़े बड़े रोड बने, 6 करोड़ रुपये की लागत से डामर रोड बने हैं। अपने छात्रावास भी यहाँ नारायणपुर में 2 खुले हैं, बालिका छात्रावास भी खुला है, एक अम्बेडकर छात्रावास भी खुला है। तो विकास के मुद्दे की हम बात करें पत्रकार साहब, तो विकास तो बहुत है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि विकास काफ़ी किया है और इसी कड़ी में हमारे साथ हुआ है। उनसे पूछते हैं क्या इस 5 सालों में कितना बानसूर में क्राइम बढ़ा और क्राइम को लेकर लोगों में क्या ऐसी भावनाएं हैं? देखिए, सरकारी जो बनती हैं, मंत्री विधायक जो बनते हैं, वो काम करने के लिए ही बनते हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। बात करें विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जनता बताएगी, जनता को मालूम है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा 5 साल के टाइम में क्राइम जो बढ़ा है वो आज अपने बानसूर में 1 नंबर के ऊपर रहा है। और मैं तो मानता हूँ विकास चाहे कम हो जाए लेकिन पब्लिक जो यहाँ की जनता है वो सुख शांति से जिए, और अब की बार पब्लिक का जो रुझान है वो यही रहेगा कि भाई ऐसी कैंडिडेट को चुने, अपने ऐसे कैंडिडेट को चुने कम से कम विकास कम हो लेकिन शांति तो बनी रहे। एक तरह से हमारा जो यूपी बताते थे पहले, आज तो योगी है, वहाँ यूपी का जो क्षेत्र है ना वो स्थिति आज बानसूर में 5 साल के टाइम में देखी जा रही है। बिल्कुल, अभी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर बिगड़ते देखे बानसूर में, और इसी चीज़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या बानसूर में किस चीज़ को लेकर आप मतदान करेंगे, किस चीज़ का अभाव बानसूर में? बानसूर के अंदर हर चीज़ की कमी है, शिक्षा, पानी, और किसान को रास्ते और बिजली, सड़क, इनकी सारी चीज़ों की समस्या है। कांग्रेस राज के अंदर भी कुछ नहीं हो पाया। बानसूर में जो बड़ा कैबिनेट मंत्री रहा शकुंतला रावत जी ने, जो 10 साल से कांग्रेस का राज करती आ रही है, लेकिन बानसूर में एक जो 50 साल से जो रोड बने हुए हैं उनके ऊपर आज भी खड्डे बने हुए हैं, उन पर रोड़ी पड़ी हुई है, कहाँ हुआ है काम? कांग्रेस सरकार तो ने तो अपना जेब भरने का काम किया है और विकास का कार्य की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। आज भी उसके लिए वित्तीय स्वीकृति आ गई, क्योंकि उसका कार्य चालू होने वाला है। और 500 में सड़कों के ले जाओ तो 6 करोड़ के अभी काम हुए हैं, अभी 29 रोड पास हुए हैं। नगर पालिका में छोटे छोटे रोड हैं वो 29 रोड पास हुए हैं, तो किसी ने करवाए तो शकुंतला जी कार्यकाल में हो रहे हैं, इसलिए रोड भी बहुत बन रहे हैं। अभी उनका कार्य प्रगति पे, कार्य पूर्ण होने पर शुरुआत की। बिल्कुल, अभी बताया कि नगर पालिक क्षेत्र में काम हुए हैं, विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों को कई बार इसको लेकर कार्य करने की शैली ये रही है, 13 कोण है और पर इस शैली से कार्य है। उस कार्य को भी यदि आप देखेंगे छांटेंगे ना आप, तो वहाँ भी जो ये लोग बता रहे हैं कि भाई 100% कार्य वैसा नहीं है। यदि आप बाहर ग्रामीण क्षेत्र तो जाएंगे तो वहाँ तो आपको नहीं जाने क्या क्या मिल जाएंगे। मेरे क्षेत्र में भी यदि इन बंधुओं में से कोई ये हाथ खड़ा करके चलने की क्षमता रखता हो तो मैं इनको दिखा सकता हूँ किस प्रकार से भेद के द्वारा प्रगति कार्य की गए, यानी भेदभाव जो रखा गया है। अभी चुनाव जीतने के बाद में तो पूरी प्रजा उसी की हो जाती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कमी रही है हमारी मंत्री महोदय की, जो कि उन्होंने भेदभाव से कार्य किए हैं। और भेदभाव से जो कार्य कर रहा है तो मेरी नज़र में तो वो आदमी सक्षम राजनीति वाला आदमी होता नहीं है, और ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे तो भेदभाव आगे चलता है। बिल्कुल, अभी भेदभाव का आरोप लगाया है हमारे पति ने, और हमारे इसी कड़ी में हमारे साथ कोई भी युवा साथी हैं, किस चीज़ को लेकर सबसे पहले किस ओर ध्यान जाएगा? आप भी एक युवा हैं, और युवा किस चीज़ को लेकर खासी रोचक बात?
युवाओं की तरफ सिकंदर रावत ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी युवा को रोजगार नहीं दिया। युवाओं को दिया है तो इन्होंने अपराध दिया है। बांसुर को जिस तरह से अपराध के नाम पर इन्होंने विकास किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार में विकास किया, ऐसे ऐसे अधिकारियों को यहाँ लगाया है जो बिना पैसे लिए कलम तक नहीं टेकते। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में इन्होंने काम किए हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और बांसुर को अपराध की श्रेणी में इन्होंने उत्तर प्रदेश बना दिया। जहाँ कहीं भी अपराध आसपास में आप देखोगे, जयपुर ग्रामीण में और अलवर ज़िले में, तो बांसुर उसमें नंबर वन आता है। जो कभी अमन चैन की बस्ती हुआ करती थी, आज वो अमन चैन यहाँ खो चुका है। और रही बात विकास की, तो सौतेले रूप से इन्होंने काम किया है। जहाँ इन्हें वोट कम मिला है, वहाँ आज आप जाकर देखोगे तो वहाँ सड़क ही गायब है, और जहाँ इन्होंने वोट लिया है वहाँ इन्होंने काम किया है। लेकिन इस तरह से सौतेला व्यवहार करके, और इसने वोट दिया उसने नहीं दिया, इन्होंने बल काटने का काम किया। जो लोग यहाँ सरकारी नौकरी करते थे उनके ऊपर दबाव बनाया, उनका बाहर ट्रांसफ़र करवाया काफ़ी लोगों का, कि मेरे को वोट नहीं दिया, तो इन्होंने बदले की भावना से काम किया पूरे 5 साल, और अब समय आया है तो जनता इनसे निश्चित रूप से बदला ले। बिल्कुल, अभी इन्होंने बताया कि ऐसे कार्यालय हैं जहां भ्रष्टाचारी का खुला खेल खेला गया, जैसे आरोप लगाए भाई ने, और इस चीज़ को लेकर युवाओं में कहीं ना कहीं खासी नाराज़गी है, क्योंकि उद्योग मंत्री है, उनके पास पद है, चाहते तो कहीं ना कहीं लिमिटेड जो इंडस्ट्री एरिया हैं उनमें भी लगा सकते थे लोगों, कहीं ना कहीं आरोप है। हमारे इसी कड़ी में हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे पूछते हैं क्या इस बार विधानसभा चुनाव को देखकर कैसे वोट करेंगे। हम ये देखो, अगला विधानसभा चुनाव विकास के नाम के आदमी को देख के वोट करें। जो भी ये कह रहे हैं कि शंकर रावत ने आज़ादी के बाद विकास इसलिए कराया है, विकास हुआ ही नहीं आज़ादी के बाद, तो मेरे 7 साल के ग्राउंड पे देखो, आज जो रोड 10 साल पहले जो बने हुए थे डामर पड़ी थी, वही रोड आ जाए उनमें इकट्ठे हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, कोई सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अब मजदूरा भी सुरक्षित नहीं, व्यापारी तो कहाँ सुरक्षित आएगा। तो हम पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम वो आदमी चुनेंगे जो हमको सुरक्षा प्रदान कर सके, विकास बाद में, सुरक्षा पहले। बिल्कुल, अभी इन्होंने बताया कि हम सुरक्षा चाहिए, विकास बाद में चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी हमारे सीनियर कोई सकता है, उनसे भी पूछते हैं क्या सर आपकी बार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम है कि जनता का मूड इस विधानसभा में क्या है। आज अपन बांसुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान से ही कांग्रेस की विदाई होना नहीं। कारण स्पष्ट है, किसानों के ऊपर, विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को और कर्मचारियों को जो वादे किए गए थे संविदा कर्मियों को स्थायी करने का, आज उन पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। इस तरह से शकुंतला जी की चर्चा करते हुए मैं तो ये कहूंगा कि प्रदेश स्तर पर आज कांग्रेस की विदाई निश्चित है। और क्यों निश्चित है? बांसुर में जिस तरह से गोलीकांड हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोला जा रहा। उद्योग मंत्री होने के बाद यहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं लगना, अपने आप में शकुंतला रावत जी का पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर तो हालात हैं, आप पुराने दिनों को याद करो, एक समय था जब 1200 रुपए के पैरा टीचर को, कांग्रेस सरकार में ही 1200 रुपए के पैरा टीचर लगे, उनको स्थायी करने का कार्य यदि किसी ने किया तो वसुंधरा राजे जी ने किया, जिसने देश और प्रदेश के अंदर ये संदेश दिया कि संविदा कर्मी स्थायी हो सकते हैं। ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियों में आज स्थिति बदल रही। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस के क्रियाकलाप, क्या आजादी के बाद शासन सचिवालय के अंदर अलमारियों में सोना और चांदी मिलना, ये खुलेआम में स्पष्ट करता है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा, जिसके चलते अधिकारी न्याय नहीं कर पा रहे थे, थाने और तहसील की बोलियां लग रही थी। आज बांसुर में भी वही हालत है। मैं बांसुर की बात क्यों करूं, मैं तो राजस्थान की बात करना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं बांसुर में ना तो पक्ष था ना विपक्ष था। अरे यहां पर जिस तरह की बातें हो रही थी, अवैध ठेके लग रहे थे, गोलीकांड हो रहा था, एक व्यापारी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, गोलीकांड हुआ, एक की थैली लेकर चले गए, कोई बोलने वाला था? केवल यहाँ नौटंकी हो रही थी प्रतिपक्ष की तरफ से भी। यहाँ यदि आज बांसुर के अंदर एक बात का सवाल है, आम मतदाता इस बात को लेकर चल रहा है, जो हमारी बात करेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, जो थाने और तहसील के अंदर हो रही भ्रष्टाचार,
गुंडागिरी और न्याय को बेचने का जो काम हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा उसको हम। ऐसे हालात मैं किसी पार्टी और दंगल की बात नहीं करना चाहता, न मैं किसी का पक्ष धरूं, मैं तो वसुंधरा राजे समर्थक मंच का हूं, भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन जिस तरह से केंद्र का नेतृत्व आज देख रहा है कि हम अपने बल पर जीत जाएंगे, वो भी कांग्रेस की तरह चल रहा है। यदि कांग्रेस की तरह चला तो निश्चय ही भाजपा का पतन है। यदि वसुंधरा राजे जी को कमान नहीं दी गई, उनको नहीं दिया तो ना राजस्थान में सरकार आएगी, यहाँ तीसरी सरकार मोर्चे की सरकार बनेगी। अभी इन्होंने ये कहा कि राजस्थान में भाजपा को आगे नहीं लाया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या बांसुर में कितना विकास हो पाया है और किस चीज़ को लेकर इस बार लोग मतदान करेंगे, और बांसुर में लाइन ऑर्डर को लेकर भी लोगों ने अभी सब कुछ बताया, अभी उद्योग के लिए उन्होंने सब चीज़ों को लेकर बताया। आप युवा है और इस चुनाव को कैसे देखिए? देखिए, बदलाव तो जनता यहाँ पर निश्चित चाहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है। इससे पहले अभी जो कोटपुतली बहरोड जिला बना, इससे पहले अपना NCR में आते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें आती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पानी बिजली की, इस कोई भी सरकार आई उसका दायित्व बनता है, छोटी मोटी काम तो होते रहते हैं, पर ऐसा कोई काम धरातल पर नहीं होता है जिसको उजागर किया जाए। केवल बोर्ड लगे हैं या पत्थर का शिलान्यास, मैंने पहले भी बोर्ड और पत्थर लगते यहाँ पर बहुत देखे हैं 23 साल की राजनीति में। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, आप उद्योग मंत्री थे, फिर पहले भी कहा है आपसे कि उद्योग मंत्री होते हुए एक भी लड़के को आपने नौकरी लगाया राजस्थान में? नहीं, बांसुर में, राजस्थान में एक भी, बांसुर में भी आपने एक भी लगाया। अगर एक भी बच्चा आपने नौकरी लगाया हो, दूसरे आरोप में लगाना चाहता हूँ, आप उद्योग मंत्री थी, आप बहुत ताकत रखती थी। आप ये जो बहरोड जिला नहीं चाहता था, कोटपुतली बहरोड हुआ है, क्यों नहीं हो सकता था कोटपुतली बांसुर? कोटपुतली बांसुर भी हो सकता था, आप ताकत में थी तो आप बांसुर को चाहती थी तो नहीं। आप बांसुर के आपके दिल में कभी नहीं बसता, आप केवल वोटों की राजनीति करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, दूसरे भ्रष्टाचारियों को यहाँ जनता जन्म देने वाली नहीं है और जनता सोच समझ के फैसला इस चुनाव में करने वाली है। बिल्कुल, अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, जनता सोच समझ कर इस चुनाव में फैसला करने वाली। हमारे साथ युवा साथी हैं जी, आप इस चुनाव को देखकर क्या देखते हैं? जी देखते हैं साहब, 70 साल में कामना जो काम हो गए बांसुर के अंदर, हमारे गाँव और सूरा लगता है उधर तो समझ लो सारे रोड बन गए, सब बांसुर तहसील में रोड बन गए, वो कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस को वोट दिया तो यही जानते हैं सब। सब बढ़िया कहानी के, सब बढ़िया काम हो रहा है, विकास हुआ है बांसुर में, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, आगे भी होता रहेगा भगवान। बिल्कुल, अभी उन्होंने बताया कि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विकास किया है, हर जगह रोड भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं और अपने हॉस्पिटल भी बने हैं, तहसील भी बनी है। हमारे साथ यहाँ और भी प्रभु जन है, उनसे पूछते हैं क्या विधानसभा चुनाव को लेकर अब की बार बांसुर की जनता का मूड क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने इसी वक्त और इसी टाइम में जो काम किया है, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, इन्होंने ऐसा काम किया है कि कहीं भी कोई काम में जगह नहीं छोड़ी। मैं नगर पालिका बांसुर मनोहरलाल सैनी उपाध्यक्ष हूँ, तो कोई भी आगे भी काम है, मेरे को निश्चय लग रहा है कि पार्टी आगे कांग्रेस की आएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं किसी की पार्टी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं इनको महत्व भी नहीं दे रहा हूँ, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि पार्टी कांग्रेस की ही आनी चाहिए। बिल्कुल, अभी इन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री ने बहुत सारे काम करवाए हैं, पार्टी ठीक है। और हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या इस बार विधानसभा चुनाव किस ओर से लोगों का मतदान होगा? हमारे यहाँ विधायक शकुंतला रावत ने कितने काम करवाए जिनकी गिनती नहीं है, चारों तरफ रोड बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल जो है ट्रोमा सेंटर प्लस हॉस्पिटल दोनों के अलग अलग पैसे करवाए, जो काम आज चल रहा है। महाविद्यालय कार्य था वो 2 मंजिल की बिल्डिंग बन चुकी है और उसका उद्घाटन भी कर चुका है। अभी पत्थरों की बात करते हैं, पत्थर काम करवाएगी तभी तो पत्थर लगवाएगी, ऐसे कोई पत्थर नहीं लगने देंगे, क्यों? पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। और रहा नारायणपुर का कार्य जो बता रहे हैं नारायणपुर में, तो नारायणपुर एक पिछड़ी हुई वो आ रही थी तहसील, उसमें तहसील नहीं थी, उप तहसील बनवाई, उस पर से तहसील बनवाई, तहसील SDM बैठा है, SDM बैठा करके आज जो है पंचायत समिति जो है नारायणपुर में बनी, किसके लिए बनी?
शकुंतला रावत की ही ऐसी होती जो पंचायत समिति उन्होंने बनाई, और कार्य जो है उसे कि पुनः इनको जिताएं और बहुमत से बिल्कुल विकास हुए हैं। उन्होंने अभी ऐसा बताया, हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे पूछते हैं क्या इस बार विधानसभा चुनावों को देखकर क्या ऐसे लोग मतदान कर पाएंगे। देखो मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि मतदान हमारा अधिकार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक पर्व की तरह बनाएं। रही बात पक्ष और विपक्ष की, तो विपक्ष हमेशा चाहे कितनी बढ़िया काम कर दे, पक्ष में रहता वो आदमी विपक्ष उस पर आरोप लगाता ही है। लेकिन इस टाइम में जो कांग्रेस सरकार है, जो गहलोत सरकार ने जो काम किया इस 5 साल के पीरियड में, शायद ही किसी गवर्नमेंट ने किया होगा। ये तो स्वयं मोदी जी भी मान रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि राजस्थान में किसको उतारूं। उन्होंने ये जो अपने अभी 40 आदमियों की जो लिस्ट आई है उसमें 7 सांसदों को उतार दिया, तो इस बात का ये प्रमाण है कि उनके पास अशोक गहलोत का अल्टरनेट नहीं है, वो नहीं रोक पा रहे हैं कांग्रेसी गवर्नमेंट बनने से। तो और रही बात बानसूर की पब्लिक की, तो जो श्रीमती शकुंतला रावत जी हैं उन्होंने बानसूर की पब्लिक के लिए वो काम किए हैं जो कि मेरे ख्याल से इससे पहले किसी भी नेता ने नहीं किए होंगे। उन्होंने बानसूर की पब्लिक के क्या नहीं किया मुझे बताएं, हमारे पास सारा कार्ड है, रिपोर्ट है, चाहो तो हम आपको लिखित में दे सकते हैं। आज यहाँ सड़कों की व्यवस्था बढ़िया है, नगर पालिका बनवाई है, ट्रोमा सेंटर्स जो यहाँ आदमी यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते थे। नहीं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। अभी लोगों ने बताया अगर कोटपूतली बहरोड जिला ना होकर के सबसे पहले बानसूर को अगर ले दिया जाता इस मुहिम में, अगर जिला बानसूर को बना दिया जाता, तो सेंटर था, सेंटर में खानागाजी भी आ जाता, बहरोड भी आ जाता, मुंडावर भी आ जाता, तो ऐसा कर नहीं कर पाई तो लोगों में कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर नाराज। देखिए वो उनका कारण बस कोई बात नहीं होगी, लेकिन हमारी जो विधायक ऐसा नहीं है कि बानसूर के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया होगा। उन्होंने हो सकता है विधानसभा में मुद्दा उठाया होगा जिला बनाने का, अगर मेरे बानसूर को शामिल किया जाए, लेकिन हो सकता है कोई भौगोलिक स्थिति से, भौगोलिक क्षेत्रफल से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी। नहीं तो ऐसा हमारा विधायक नहीं है कि ये सबसे पहले मांग नहीं उठाती, क्योंकि उन्होंने आज तक विधानसभा में जब भी गई है बानसूर के लिए कुछ न कुछ लेके आई है। उन्होंने जाके यही मुद्दा उठाया कि मेरे बानसूर के लिए ये चीज दे हो, आप मुख्यमंत्री के सामने कहा है, विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा है कि मुझे बानसूर के लिए ये चीज चाहिए। नहीं, अगर मंत्री महोदय अगर अशोक गहलोत जी से चाहती बानसूर को जिला बना दिया जाए, जब इतनी चलती है तो बानसूर को जिला भी बना सकती है। देखिए मैंने आपको कह दिया, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, उन्होंने मुद्दा जरूर उठाया होगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण ऐसा रहा होगा जो कि हमारा बानसूर उस लाइन में नहीं आ सका। लेकिन अभी आगे बहुत समय, अगर पब्लिक समय देगी, अगर उनको पब्लिक ने टाइम दिया तो ये चीज भी संभव है। बिल्कुल, हम अगले वक्ता से पूछते हैं। सर, बानसूर नगर पालिका बनी है और नगर पालिका के लिए आज तक भी डंपिंग यार्ड नहीं बना, कहीं कहीं जाकर नगर पालिका कॉलोनियों में जबरदस्ती कूड़ा डाल दी है, कई बस्ती के आसपास डाल दी है, ऐसा क्या कारण रहा? उद्योग मंत्री ने एक पंचायत स्तर पर जो मीटिंगें चल रही है उनमें कहा कि 6 दिन के अंदर आपका डंपिंग यार्ड तैयार हो जाएगा, उसमें कचरा डालने की पूरी सुविधा, लेकिन आज तक भी नहीं बन पाई। ऐसा क्यों नहीं होता है जबकि सरकार के पास सवाई चक जमीनें भी हैं, बहुत सारी जमीनें बानसूर में हैं, तो लेकिन अब तक डंपिंग यार्ड नहीं बन पाए। बात आई है कि भाई डंपिंग यार्ड नहीं बना नगर पालिका का। पहले बात तो ये है कि हमारे जो विधायक हैं शकुंतला राव जी, वो विधानसभा में शेरनी के नाम से उनको जाना जाता है। 70 साल से मांग थी कि बानसूर को नगर पालिका बनवाया जाए, पहले शर्त तो उन्होंने ये पूरी करी बानसूर में कि नगर पालिका बनी। दूसरी बात, नगर पालिका बनी है तो अभी बनने में कुछ ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, 6 करोड़ के इन्होंने विकास कार्य करवाए, प्रॉपर शहर शहर के अंदर नगर पालिका से रोड गलियां सब बनवाई है। अब धीरे धीरे जो जितनी भी है, जैसे अलॉटमेंट हो रही है आप बता रहे हैं, वो सर्वे करवाया जा रहा है, और ऐसे भी नहीं है कि भाई जैसे घड़िया जोड़ा है उधर भी डाला जा रहा है, इधर टोडिया के पास साइड में वहाँ पर भी डाला जा रहा है, लेकिन इसका सर्वे होगा उससे पहले ही आधा संहिता लग गई थी। अभी वो प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, और बात ये कह रहे हैं कि भाई कॉलेज नहीं थी, कॉलेज बिल्डिंग बन चुकी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, धरातल पे जाके देखिए, ये हवाई कह रहे हैं कि भाई यहाँ कॉलेज नहीं है। दूसरी बात, महिला कॉलेज की बात ये थी कि नगर जो नारायणपुर है वो भी विधानसभा बानसूर में ही आता है, तो वहाँ नारायणपुर में महिला कॉलेज खुलवा दी तो क्या गलत हो गया? यहाँ बॉयज़ कॉलेज खुलवा दी,
दूसरी बात, यहाँ इतने विकास कार्य करवाए हैं, यहाँ डिप्टी ऑफिस नहीं था वो करवाया, उसकी ज़मीन अलॉटमेंट करवाई है, यहाँ पे एसीजीएम कोर्ट नहीं था वो अलॉटमेंट करवाया है, एसीएम कोर्ट नहीं था वो अलॉटमेंट करवाया है, नारायणपुर में एक पंचायत थी छोटी सी उसको पहले उप तहसील बनवाई, उप तहसील से तहसील बनवाई और फिर उपखंड कार्यालय खुलवाया, फिर पंचायत समिति बनाई उसको, हरसोरा जो क्षेत्र पड़ता है उसको उप तहसील बनवाई, यहाँ पे रोडों का जाल बिछा दिया गया है, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ, उप जिला अस्पताल बनवा दी, ट्रोमा सेंटर वहाँ बनवा दिया, तो ऐसे कोई है नहीं, ये तो विरोधी बोलते ही नहीं, काम नहीं हुआ। पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, अपने अपनी बातें सभी रखते हैं और काम हुए हैं नहीं हुए हैं जनता सब जानती है, और हमारे इस कड़ी में और भी हमारे साथ वक्ता हैं, क्या इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर कैसे आप देखते हैं, कैसे मतदान कर पाएंगे आप, कैसा यहाँ का जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे? हम तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो निस्वार्थ, जो पब्लिक की सुने, आम जनता उससे मिल सके, सबको टाइम मिले और सबसे मिले। और मेरे साथी अभी ये कह रहे थे कि वो मोदी जी, वो गहलोत जी के सामने ऐसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा मोदी जी का जो खड़ा करे, एकली वसुंधरा ही काफ़ी उसके लिए, तो एकली वसुंधरा ही काफ़ी थी, पर मोदी जी की पता नहीं क्या सोच है, वरना गहलोत जी का तोड़ तो एकली वसुंधरा राजे थी। और जैसे ही इन्होंने कहा कि भाई जिले में कोई व्याधि आ रही थी, तो इससे ज़्यादा क्या व्याधि आएगी, वो 23 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर था, बीच में एक व्याधि थी कि एक नदी आ रही थी, तो नदी अगर जिला हेडक्वार्टर बनता तो नदी का उपाय हो सकता था, बाकी इन्होंने काम सारे किए, उप जिला का हॉस्पिटल बनवा दिया, पर इनसे ये पूछो कितने MD डॉक्टर बैठे हैं, जो कि MD सारे रशियन डॉक्टर बैठे हैं A to Z, तो MD भी तो चाहिए ना उप जिला के ऊपर, ट्रोमा सेंटर में 5 साल पहले उप जिला पिछली बार विधानसभा चुनाव का जब शकुंतला राव जब जीत गई तब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मेरी सरकार नहीं है, मैं विधायक हूँ, लेकिन जब मेरी सरकार बनेगी, जब मैं विधायक बनूंगी, जब मंत्री का तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक महिला जो प्रसूता केंद्र में जो महिला डिलीवरी करवाती है, जो महिला डॉक्टर है, वो डॉक्टर में ला के बैठाऊंगी। आज तक भी वो महिला डॉक्टर नहीं है, महिलाओं के लिए डिलीवरी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो या कोटपुर या जयपुर यही सुविधा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उप जिला हॉस्पिटल का नाम है कि उप जिला हॉस्पिटल यहाँ बन चुका, लेकिन उसमें अगर डॉक्टरों की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ एक युवा साथी हो रहे हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि वे बात बोलते हैं, उसी को लेकर हम भी पूछते हैं, क्या इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों के बीच इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रत्याशी जाएंगे, और किस काम को लेकर लोग मतदान करेंगे, क्या काम अधूरा रह गया और क्या लोगों की मांग थी? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोगों ने अब तक जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो GTV का वेलकम करता हूँ, इंडिया न्यूज का। सभी वक्ताओं की आपने सभी बातें सुनी। देखो, अपोजिशन पार्टी हमेशा